Whirlpool refrigerator, frost free. उसका हम गैस चार्जिंग करने जा रहे हैं, प्रॉब्लम तो कूलिंग नहीं हो रहा था फ्रिज में। मैंने फ्लशिंग किया, कंडेंसर कॉइल, कूलिंग कॉइल, हम इसमें गैस डालेंगे। गैस डालने के टाइम हमेशा फैन मोटर को निकालना चाहिए, तो पता चलेगा कितना कूलिंग हो रहा है। पहले सारे कॉइल में रिटर्न सब कुछ आ जाएगा, कम से कम 10 से 15 मिनट में आपका गैस चार्जिंग हो जाएगा। फ्लशिंग करने में बहुत टाइम लगता है, गैस चार्ज करने में बहुत आसानी है। 134 गैस है, हमने इसमें गैस डाल दिए हैं, हम इसको स्टार्ट करेंगे। हमने गैस ऑलरेडी इसमें भरे थे, तो कम से कम 10 से 15 मिनट में गैस चार्जिंग अपना कंप्लीट हो जाएगा। गैस चार्जिंग करने से पहले हमेशा कंडेंसर कॉइल, कूलिंग कॉइल को फ्लशिंग करना बहुत ज़रूरी है। जितना आप बेहतर फ्लशिंग करोगे उतना ही कूलिंग बढ़िया होगा और फास्ट कूलिंग होगा, सिस्टम एकदम क्लियर होना चाहिए। तो हम गैस चार्जिंग करने से पहले हमने दोनों सिस्टम को हमने सर्विस किया, कंडेंसर कॉइल, कूलिंग कॉइल दोनों को अलग अलग करके। इसमें हमने सीडीसी डाला ताकि बेहतर सर्विसिंग हो जाए इंटरनली। हमने स्पैनर भी लगाया, देख सकते हैं इसमें रिटर्न आ चुका है, इसलिए हमेशा गैस चार्जिंग करने के टाइम फैन मोटर को निकालना है या बंद करके रखना है। तो पता चल 10 मिनट से 15 मिनट के अंदर पर गैस चार्जिंग हो जाएगा डबल डोर का। देख सकते हैं गैस चार्जिंग कंप्लीट हो चुका है, पूरी तरह से रिटर्न आ चुका है। हम इसको पूरी तरह से फिट कर देंगे फिर से एक बार, तो आप भी इसी तरह से गैस चार्जिंग कर सकते हैं। नमस्कार।